सिटी थैलका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रूही। चले शुरुआत करते हैं आज की ताजा अपडेट्स के साथ। आदर्श कॉलोनी और वीवर्स कॉलोनी में हुआ पुलिया को लेकर विवाद, 4 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। आदर्श नगर वासियों की शिकायत पर पुलिया तोड़ने पहुंची निगम को वीवर्स कॉलोनी के लोगों ने रोका और मौके पर टेंट लगाकर धरने पर बैठे। नाबालिग से छेड़छाड़ कर युवकों ने फाड़े कपड़े, शोर सुनकर परिजनों पर युवकों ने किया पथराव हमला। नाबालिग और उसकी दादी को पानीपत के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने की मामले की जांच शुरू। दिल्ली पैरल नहर में मिला 65 वर्षीय वृद्ध का शव, पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए मुर्दा घर में रखवाया। गांव से थाना में तमंचों और तलवारों के बल पर घर में घुस कर माँ और बेटी पर बोला हमला, पीड़ित पक्ष SP से मिले। तेज रफ्तार ट्रक चालक ने वीरवार को जेटीपुर के पास बुलेट सवार फौजी को टक्कर मारी, मौके पर हुई मौत। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सरकारी अस्पताल में भिजवाया। जाटल रोड शनि मंदिर के पास एक 68 वर्षीय बुजुर्ग का मिला शव, सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर पहुंच कर लोगों से पूछताछ कर शव को सिविल अस्पताल में पहुंचाया। मतलोडा रोड पर दुकान के आगे शराब बेचने वालों को पुलिस ने किया काबू, 18 बोतल जैसी शराब पुलिस ने की बरामद। समालखा में अवैध रूप से शराब बेचने जा रहे बाइक सवार की GA कॉलेज के पास पुलिस ने किया काबू। विशेष स्वरूप कॉलोनी में नौकरानी ने मकान मालिक के बेडरूम से 58,000 रुपए किए चोरी। अवैध कॉलोनी काटे जाने को लेकर CM को भेजी शिकायत, शहर में 2 नेताओं पर अवैध कॉलोनी काटे जाने पर लगाया रोक। रिफाइनरी क्षेत्र में DTP ने गिराए 30 अवैध निर्माण। गांव लोहारी निवासी अंकुश की हत्या के मामले में नामजद जय सिंह और राजपाल को CIA 1 पुलिस ने समालखा से किया काबू, न्यायालय में पेश कर लिया 3 दिन के रिमांड पर। ट्रांसफार्मर चोरी गिरोह के 2 सदस्य पकड़े, CIA 3 पुलिस टीम ने चोरी के 70 वारदातों का किया खुलासा। आइए अब नजर डाल लेते हैं कोरोना अपडेट्स पर। कोरोना कहर नहीं ले रहा रुकने का नाम, 153 नए मामले आए सामने। सिविल अस्पताल में 3 डॉक्टरों व 3 नर्स के सैंपल लेकर किया गया क्वारंटीन। जिले में अब कोरोना रोगियों की संख्या 473 पर पहुंची। अब तक के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कोचरणी अपडेट्स के साथ। तब तक जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।